नमस्कार, ओपन सोर्स कुक में आपका स्वागत है। तो चलिए, इस वीडियो के साथ हम HTML 5 वीडियो श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे शीर्षक टैग यानी कि हेडिंग टैग जो होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसे सिमेंटिक रूप से किस तरह आप सही इसका प्रयोग करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम HTML के शीर्षक टैग या हेडिंग टैग इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। आप जब भी कोई HTML पेज बनाएंगे तो उस पेज का कोई ना कोई शीर्षक होगा, तो ये जो शीर्षक आप दिखाएंगे अपने पेज में इसको हम HTML के हेडिंग टैग के साथ दर्शाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए इतने सारे टैग क्यों हैं H1 से H6। तो ज्यादातर लोग आपको ये बता देंगे कि H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। बात तो एक तरीके से सही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। जब आप अलग अलग टैग प्रयोग में लाएंगे तो ये कुछ इस तरह दिखता है। मुख्य शीर्षक सबसे बड़ा होता है और उसके बाद ये छोटा होता जाता है। जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे वैसे वैसे ये छोटा हो जाता है, पर इसका प्रयोग या उपयोग इस कारण नहीं होता कि एक सबसे बड़ा है देखने में और एक सबसे छोटा है। तो ये क्यों ऐसे प्रयोग में लाए जाते हैं ये देखते हैं। तो होता ये है कि जब आप एक आर्टिकल या लेख लिख रहे हैं तो प्राय जो आपका लेख होगा उसमें कई अनुभाग होंगे या खंड होंगे जिसे सेक्शन कहते हैं, और हर एक सेक्शन के सब सेक्शन हो सकते हैं, खंड के उपखंड हो सकते हैं। तो जब ये खंड या सेक्शन आएंगे इनका भी हमें शीर्षक देना होता है। तो जब हम इनका शीर्षक देते हैं तब हम एक दूसरा जो छोटा वाला है H1 सबसे बड़ा माना जाता है, उसके बाद हम H2 का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर इसका कोई उपखंड है तो उसके लिए हम उससे छोटा प्रयोग करेंगे। फिर उस खंड का भी अगर कोई उपखंड है तो फिर हम उससे भी छोटा प्रयोग करेंगे। अब होता यह है कि H1 से H6 तक जो आपके पास टैग है ये काफी हो जाते हैं उपखंड के उपखंड का शीर्षक देने के लिए, ये बहुत हो जाते हैं। तो इसका जब आप इस सही तरह से प्रयोग करेंगे तो होगा ये कि जो सर्च इंजन है उन्हें आपके पेज का ढांचा या स्ट्रक्चर जो है किस तरह आपने अपना कंटेंट दिया है वो उसे सही सही समझ में आ जाएगा। तो देखिए H1 सबसे बड़ा दिखाया गया और इस तरह H6। अब जैसा आप यहां देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे ऐसा लिखा गया है, तो हमेशा एक H1 अगर आप देते हैं हेडिंग तो उसके बाद H2 उसकी सब हेडिंग मानी जाएगी और H3 इस H2 की सब हेडिंग मानी जाएगी। तो ये जो है H1 से H6 ये इनके साइज की जगह एक तरह से पद या श्रेणी निर्धारित करते हैं, रैंक कि सबसे ऊपर का कौन सा है और उसके नीचे कौन सा है, ठीक है, और उसके नीचे कौन सा है। तो ये है कि दिखने में आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसीलिए दिखने में भी इनका आकार ऊपर से नीचे छोटा होता जाता है, मतलब H1 लिखेंगे तो H2 उससे छोटा हो जाएगा। तो शीर्षक टैग का हम उपयोग कैसे करेंगे ये मैं आपको उदाहरणों के साथ दिखाऊंगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि H1 टैग ज्यादातर, या आप अभी के लिए यह कह सकते हैं कि हमेशा H1 टैग सिर्फ एक ही बार प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि आपके लेख का जो मुख्य शीर्षक है वो एक ही होता है, वो बार बार नहीं बदलता है। तो जो मुख्य शीर्षक है वो H1 में आएगा और जो उप शीर्षक है खंडों के उपखंडों के वो आपको सही तरह से H2 से लेके H6 के अंदर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको पहला उदाहरण दिखाता हूं। ये तो हो गया H1 आप कैसे लिखेंगे, मुख्य शीर्षक, उसके बाद
उसका जो दूसरा उपखंड है, तीसरा उपखंड H3 आप तभी प्रयोग करेंगे जब दूसरे उपखंड या सेक्शन का भी एक सबसेक्शन होगा। फिर अगर तीसरे का सबसेक्शन है तो आप H4। ये नहीं कि आपको छोटा टाइटल चाहिए तो आपने अचानक से ये छोटा प्रयोग में ले लिया। तो ये तो मैंने आपको दिखाया था कैसा दिख रहा है, इस तरह से दिखता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि 2 से लेके 6 तक ये इस मुख्य शीर्षक का भाग है, ठीक है, ये अलग अलग भाग नहीं है, इस शीर्षक के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण दिखाता हूं। यहां पे एक दूसरे उदाहरण में मैंने एक पृष्ठ बनाया है जिसमें मैं भारत की नदियों के बारे में बात करूंगा। अब इसमें सिर्फ एक ही बात हुई है, इसमें कोई उपखंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो इसका शीर्षक है वो है भारत की नदियां, और उसके बारे में मैंने एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ कुछ लिखे हैं, ठीक है। तो इसे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका सीधे सीधे इस तरह से नजर आएगा। तो ये हो गया मेरा मुख्य शीर्षक, टाइटल, मेन टाइटल, और उसके नीचे ये हो गए इसकी जानकारी। जब कोई सर्च इंजन या दूसरे प्रकार का एप्लीकेशन आपके पेज को पढ़ेगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि ये शीर्षक है और इस शीर्षक के अंतर्गत ये चीज आती है। तो बिना कोई दूसरा टैग प्रयोग में लाए हम इसको एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पूरा हिस्सा ये एक हो जाता है, मतलब इस शीर्षक के अंतर्गत। तो ये तो हो गया एक साधारण सा उदाहरण जहां पे सिर्फ एक ही शीर्षक है और उसके नीचे एक पैराग्राफ या अनुच्छेद। अब मान लीजिए मैं जाता हूं भारत की नदियां और इसमें मैं अलग अलग नदियों के बारे में बताना चाहता हूं, या चलिए मैं किसी एक नदी के बारे में बात करना चाहता हूं, तो उसका शीर्षक हो जाएगा वो नदी का नाम, और उसके बाद उपशीर्षक होंगे नदी की अलग अलग जानकारी। तो इसी में मैंने एक ये बना लिया है यमुना नदी के बारे में, और इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो अब आपको यहां ध्यान से देखना है कि किया क्या है। यमुना नदी के बारे में पहले मैं इसे चलाता हूं, तो ये आप देखिए, ये है यमुना नदी के बारे में, और ये इसका हो गया मुख्य पैराग्राफ और मेन पैराग्राफ जो है। उसके बाद ये है सबसेक्शन, मतलब उद्गम। उद्गम के अंदर एक और सबसेक्शन है जो कि ये है। फिर प्रवाह जो है, प्रवाह क्षेत्र, वो इसी लेवल पे है, उद्गम के लेवल पे, जो आप देख सकते हैं। और उसके अंदर 3 सबसेक्शन है, और अंत में एक सेक्शन है या शीर्षक जो मैंने रखा है वो इसी के साथ में रखा गया है। तो मतलब ये हुआ कि ये H1 के अंदर यमुना नदी के बारे में मैंने खंड उपखंड बना रखे हैं, और हर एक बार जब कोई खंड है उसका उपखंड आता है उसके लिए अलग अलग H1 से H6 तक के टैग का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। अब ये हो गया मेरा मेन H1, मतलब इसके अंदर आ गया ये पूरा आर्टिकल या जो भी मेरा लेख है, ये बता दिया। अब H2 जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये H2 हो गया उद्गम, एक सबसेक्शन, और ये H2 हो गया एक और सबसेक्शन, मतलब ये हिस्सा एक है और ये हिस्सा एक है जो आप देख रहे हैं यहां पे, और ये हिस्सा एक है, मतलब H2 हो गया एक तरीके से, अगर इसको आप 1 बोलते हैं तो ये 1.1 हो गया, ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 1.3 सबसेक्शन। तो ये सेक्शन 1, सेक्शन 1.1, 1.2, 1.3। अब जो ये उद्गम है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिखा है, और उसके बाद यहां पे H3 का प्रयोग किया, क्योंकि ये जो है, ये जो चीज लिखी है मैंने, ये इस उद्गम का एक उपखंड है जिसका मैं एक शीर्षक देना चाहता हूं। तो ये पूरा एक
भाग हो गया। फिर प्रवाह क्षेत्र जैसे लिखा है इसके बारे में थोड़ा लिखा गया है। अब प्रवाह क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन उपखंड है, प्राचीन प्रवाह, आधुनिक प्रवाह और तटवर्ती स्थान। तो ये तीन इसके उपखंड हो गए। तो आप ये समझिए, ये तो यहाँ पे जो हम इंडेंटेशन बोलते हैं मैंने इसलिए किया है ताकि समझ में आ जाए। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे इस तरह उपखंडों में, मतलब H2 जब मैंने प्रयोग किया तो उसके बाद H3 अगर प्रयोग में आता है तो वो अपने आप इस H2 का उपखंड माना जाएगा और ये इसका उपशीर्षक माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको यहां पर एक और कोई उपशीर्षक चाहिए, यानी प्राचीन प्रवाह के बारे में भी उसके नीचे एक और खंड है, उपखंड है उसका, और उसको चाहिए, तो यहां पे आप H4 का प्रयोग करेंगे। यहां पे H4 का प्रयोग होगा और यहां पे आपका एक उपखंड बन जाएगा और उसके बारे में आप यहां लिख सकते हैं। अब इस उपखंड का भी उपखंड अगर करेंगे तब आपको यहां पर H5 लिखना पड़ेगा, तो ये इसका उपखंड। अब इसी तरह आपको H1 से H6 तक प्रयोग में लाने हैं। तो ये हो गया एक उदाहरण जहां मैंने बात करी है यमुना नदी के बारे में और उसके बारे में एक उपखंड हो गया उद्गम, उसका और उपखंड ये हो गया। तो इसी तरह से इसको हमने दर्शाया है H1 से H6 का प्रयोग करते हुए। तो इसको आप देखिए यहां पे इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये आपको नजर में आ जाएगा, यमुना नदी, ये हो गया पहला H2, ये हो गया दूसरा H2 जिसके अंदर तीन हमने H3 का उपयोग किया और ये आखिरी वाला H2। अब एक उदाहरण मैं और लूंगा इसमें जो कि है, इसी को मान लीजिए आप एक पेज बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं जहां पे मैंने इसका नाम रख दिया भारत की नदियां। अब इसमें मैं नदियों के बारे में एक के बाद एक उसी पेज में लिखने वाला हूं। तो पहला तो जैसे हमने देखा था यमुना नदी, तो अगर इस उदाहरण के साथ देखेंगे तो यमुना नदी इसमें मुख्य शीर्षक था, ठीक है, और उसके बाद उद्गम हो गया था उपशीर्षक। अब यहां पे इस पेज में मुख्य शीर्षक हो जाता है भारत की नदियां। तो पहली नदी जो मैं बात करूंगा उपशीर्षक में वो हो जाएगी यमुना नदी। अब वही चीजें जो पिछले पेज में हमने की थी वही है, पर यह है क्योंकि यमुना नदी अब उपशीर्षक है तो बाकी चीजें उसी हिसाब से आपको H3 H4 में डालनी पड़ेंगी। उद्गम H3 में चला गया, H4। अब मैंने ये H2 में क्यों डाला है, क्योंकि यहां से यहां तक जब तक दूसरी नदी की बात नहीं होती ये पूरा यमुना नदी का भाग माना जाएगा, H2 के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही दूसरा उपशीर्षक शुरू होगा यानी कि दूसरी नदी के बारे में बात शुरू होगी तो वो H2 में फिर से आ जाएगा जहां गोदावरी नदी के बारे में बात हो रही है, और उसके जो उपभाग हैं वो मैं फिर से H3, H4, H5 के अंदर प्रयोग में लाऊंगा। इसी तरह अगर एक और नदी के बारे में हमें आगे बात करनी होगी तो मैं फिर से इसका काम जब खत्म हो जाता है तो यहां पे मैं फिर से H2 के साथ शुरुआत करूंगा, और जैसे ही मैं H2 के साथ शुरुआत करूंगा इससे यहां पे लिख दिया जाएगा नदी का नाम और इससे ये स्थापित हो जाएगा कि अब ये तीसरा उपशीर्षक शुरुआत हो गया है। उपशीर्षक मतलब नदी की जो बात हो रही है, तो पहली हो गई यमुना, गोदावरी और तीसरी नदी, इसी तरह चौथा पांचवा आप दे सकते हैं। तो ये थे कुछ साधारण से उदाहरण आपको ये समझाने के लिए कि H1 से H6 जो टैग होते हैं वो किस तरह हम प्रयोग में लाएंगे। तो ये देखिए भारत की नदियां, यमुना नदी उपशीर्षक है H2 में, तो यहां तक अपने आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यमुना नदी के अंदर, मतलब दिखने के हिसाब से भी आपको समझ में आ जाएगा यमुना नदी एक शीर्षक थोड़ा बड़ा दिख रहा है और उसके अंदर यहां तक का है, उसके बाद गोदावरी शुरू हो जाता है उसके अंदर यहां तक है, उसके बाद अगला जो है आपका यहां से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि H1 से H6 आप
कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं प्रयोग में लाएंगे, उसे आपको सही तरीके से शीर्षक, उपशीर्षक, उपखंड और उसके उपखंड के हिसाब से प्रयोग में लाना है। अगर आप गलत प्रयोग करेंगे, जैसे H2 है और अचानक से आप H4 प्रयोग में लाते हैं, तो ये गलत उपयोग हो जाता है इसका। आपको जब उपखंड बनाना है या उपखंड का शीर्षक देना है, तभी उस हिसाब से आप H2, H3, H4, H5, H6 को प्रयोग में लाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको H1 से H6 का प्रयोग करना समझ में आया होगा, तो आप इसको सही तरह से प्रयोग में लाइए, इससे आपके वेब पेज में आपको फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।